अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड में, आटो कैड 2015 में लेसन नंबर 10। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड लाइन। इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। पॉली लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है और कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। आज के लेसन में हमने क्या क्या देखना है जी, इसको आउटलाइन से भी देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। कंपेयर करेंगे तीन लाइन्स को, कौन कौन सी लाइन को, लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन का और पॉली लाइन, इन तीनों में डिफरेंस करेंगे कि ये तीनों यूज़ कैसे होती हैं और डिफरेंस क्या है इनमें। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। ऑटोकैड को ओपन किया, ओपन करने के बाद सबसे पहले लाइन के ऊपर आते हैं। तो अब देखें लाइन जो होती है हमारे पास, लाइन और पॉली लाइन में हम डिफरेंस करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन पे करेंगे। तो स्टूडेंट लाइन जो होती है, लाइन के लिए में शॉर्ट कमांड होती है एल एंटर। उसके अलावा आप यहाँ से इसके रिबन में से, या फिर इसको प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं, रिबन भी कहते हैं, यहाँ से आप देखें लाइन ले सकते हैं यहाँ पे, और पॉली लाइन भी साथ में ही है। तो लाइन यहाँ से भी ले सकते हैं, एल एंटर करके भी ले सकते हैं, और ड्रॉ टूल बार में जाके लाइन के ऊपर क्लिक करके भी लाइन आप ले सकते हैं। तो मैं लाइन को ओपन करता हूँ। लाइन ओपन की और अब मैं यहाँ से मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ। मैं सिंपल लाइन को ड्रॉ करूँगा। डिस्टेंस आप दोनों में दे सकते हो, पॉली लाइन में भी दे सकते हैं और लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन इनमें और जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या फर्क है। ओके अब ये हमारे पास जी लाइन, और लाइन के बाद मैं नेक्स्ट पॉली लाइन भी लेता हूँ। पॉली लाइन में लेता हूँ यहाँ पे, पॉली लाइन ले ली। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है कि आप देखें यहाँ पे जब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास लाइन का एक ही कॉर्नर सिलेक्ट हो रहा है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, सिर्फ यहाँ से ही ये डिलीट हो रहे हैं देखें। जबकि पॉली लाइन के मैं एक कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, मैं डिलीट करता हूँ पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो रही है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइन का हर एक हिस्सा टूटा हुआ होता है, जहां जहां पे आप क्लिक करते हैं वहां से, मतलब लाइन की सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। उसके बाद जब दोबारा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो वो सेकेंड लाइन बन जाती है, फिर फर्स्ट लेते हैं सेकेंड लाइन बन जाती है। जबकि पॉली लाइन का लास्ट एंड जो होता है वो जहां पे आप कमांड को अपनी को खत्म करेंगे वही उसका लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट एंड होगा। तो पॉली लाइन का फायदा क्या है, हम 3D में जाके देखेंगे इसका फायदा क्या होता है पॉली लाइन का। और लाइन तो सिंपल, आप कोई भी अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसमें आप लाइन इंसर्ट कर सकते हो। और ये लाइन और पॉली लाइन में कुछ फर्क है। उसके अलावा जो पॉली लाइन होती है, इस पॉली लाइन के जो ऑप्शन होते हैं उसमें आप पॉली लाइन को आर्क में भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करता हूँ मैं पॉली लाइन को, अपने आर्क पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं इसको आर्क देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, इसको मैं आर्क में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं आर्क में कन्वर्ट कर लूँगा। इसको देखें, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज आएगी। ये इसके कुछ फायदे हैं इसके हमारे पास पॉली लाइन के। जबकि सिंपल जो लाइन होती है उसमें आप, जब मैं लाइन एल एंटर करता हूँ तो इस लाइन में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या फिर अंडू है और या फिर क्लोज का ऑप्शन है। मेन इसमें आप इसके आर्क वगैरह नहीं दे सकते, इसका अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, जबकि पॉली लाइन में ये सारे काम आप कर सकते हैं। थर्ड वन है आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का फायदा ये है, और कंस्ट्रक्शन लाइन वो वाली लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सएल में प्रेस करूंगा, एक्सएल शॉर्ट की है उसकी। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होता, एंड पॉइंट इसका कोई भी नहीं होता। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आप इसको हॉरिजेंटल भी दे सकते हैं, वर्टिकल भी दे सकते हैं, और उसके अलावा और भी इसमें वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है,
उसके अलावा एंगुलर है, एंगल में चेंज करना है आपने, और बाइसेक्ट है, ऑफसेट है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन यूज़ होते हैं, जबकि ये वाले ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ये और दूसरी लाइंस में यूज़ नहीं होते। तो ये इनमें तीनों लाइंस में फ़र्क है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी और पॉली लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में और आपकी सिंपल लाइन में, ये कुछ फ़र्क है। तो ये आपका जी आज का ट्यूटोरियल था, आज का लेसन था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन पे काम किया। अब पॉली लाइन जो होती है, पॉली लाइन में कुछ और, पॉली लाइन एक और होती है हमारे पास, पॉली लाइन 3D के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 3D के लिए जो पॉली लाइन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ सिंपल। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टॉप वाले बटन पे क्लिक करके मैं SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ, और देखिएगा यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ में 3D पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ। देखिएगा 3D पॉली लाइन पे मैंने क्लिक किया, अब ये 3D पॉली लाइन यूज हो रही है यहाँ पे। अब ये जो लाइन यूज हो रही है, ये हमारे पास 3D पॉली लाइन यूज हो रही है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फायदा क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में भी जाके देखेंगे, 3D में जब हम जाएंगे तो 3D में हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। पॉली लाइन है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब ये जो हमारे पास 3D पॉली लाइन होती है, तो इसको अगर आप टॉप के बजाय आप यहाँ से अगर इसको स्विच आइसोमेट्रिक में देखेंगे, तो ये हमारे पास नज़र नहीं आ रही अभी, तो मैं इसको के व्यू चेंज हो गए। चलें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम 3D पे काम करेंगे, 3D में, तो उसमें आपको बताऊंगा 3D पॉली लाइन फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज़ होती है। आपने इसको हमेशा टॉप पे ही रखना है, 2D वायर फ्रेम, और 3D को ना अगर फॉर एग्जांपल 2D में, इसमें 3D में ये है ना मेरे पास, तो मैं इसे शेडेड करता हूँ ना, अगर देखें शेडेड करके, तो अब मैं स्विच आइसोमेट्रिक में जाके ड्रॉ में जाके मैं देखता हूँ जी 3D पॉली लाइन का फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, ये 3D में जब जाएंगे, 3D में जब हम काम करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा सॉलिड में, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या फंक्शन है। तो उसके लिए हमें एक अलग से और भी काम करने पड़ेंगे। 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करें और यहाँ से इसको टॉप पे क्लिक करें। ओके, तो ये था जी हमारे पास ऑटोकैड में हम पॉली लाइन का क्या यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या यूज़ होती है, तो इनके ऊपर आज हमने काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम एक नई कमांड के साथ हाजिर होंगे, और आपकी लाइन्स जो हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स, जो लाइन्स जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम, नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आपके जो ड्रॉ में रे का फंक्शन क्या होता है, और मल्टी लाइन क्या होती है, मल्टी लाइन ज़्यादातर ज़्यादा लाइन्स को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।